के आसपास की तेजी इसमें है। लेकिन एक और शेयर लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि 50 रुपए के ऊपर आया है, एनबीसीसी का। ऑलमोस्ट ये करीब करीब 1.5 साल के ऊपरी स्तर पर आ गया होगा, 30 रुपए तक ये शेयर फिसला था, वहां से बहुत अच्छी रिकवरी, 20% तो महीने भर में चल गया है। आशीष जी, एनबीसीसी हम देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक तो ठीक ठाक है, इनकी एग्जीक्यूशन बढ़िया है, यहां से आप किस तरह के मूव्स देख रहे हैं शेयर में? देखिए, चूंकि अभी एसयू जो स्टॉक्स हैं उन सभी में का अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है, तो एनबीसीसी इनफैक्ट ये बिल्कुल लास्ट रह गया था चलने में, तो अब इसका भी टर्न आ गया है। तो पीएसयू स्टॉक 9,000-9,500 करोड़ का शायद मार्केट कैप है, तो काफी अंडर वैल्यूड तो है, और जिस हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में, मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक वाइज कहीं कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस साल सरकार की तरफ से जिसको जितना काम कर सकते हैं उतने ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल एनबीसीसी भी यही रीजन है कि आज अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे ऑलमोस्ट आ गए, और मुझे लगता है कि आज करीब 20% की अपसाइड यहाँ और बाकी है, तो बिल्कुल इसे स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए।